वाले हैं केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12, ठीक है। 100% गारंटी है, सक्सेस की गारंटी है यदि आपने प्लान फॉलो कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक एक बताने वाला हूं जो इस साल क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और यदि जिन बच्चों को मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो उन्हें यदि लगता है कि सर ये वीडियोस देखने का मेरे पास टाइम नहीं, आप डायरेक्टली एक मिनट का शॉर्टकट बता दो तो लास्ट के 3 मिनट ये वीडियो को ढंग से देख लेना, आपको पता चल जाएगा भैया कहाँ से पढ़ना है क्या पढ़ना है। बट किसी को पेशेंस है तो चैप्टर वाइज सीखना है तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, वहां से देख लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा पूरा कोर्स अनअकैडमी में पूरा कोर्स अवेलेबल है, मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। वहां मैंने देखना केमिस्ट्री फॉर बोर्ड रिवीजन पूरा रिवीजन कोर्स मैंने अवेलेबल करवा रखा है, 20 वीडियोस हैं, पूरा चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखा है वहां, तो आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं वहां पे। और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अनअकैडमी की, आप वहां जाइए पूरा कोर्स देखिए, और आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एनसीईआरटी नहीं कुछ नहीं, सिर्फ यदि आपने फॉलो कर लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि भैया इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ लें कि जो पास हो जाए। तो सॉलिड स्टेट सबसे फर्स्ट यूनिट की मैं बात करूं तो आप सबसे पहले अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे, इनके बीच में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आ सकते हैं, वो टॉपिक्स आ सकते हैं। पैकिंग, पैकिंग आपको पता होनी चाहिए, सिंपल क्यूबिक की पैकिंग, फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक कैसे डिराइव करते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक में 54% है, इसमें 68% है, उसमें कितना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए। और तीनों के बीच में जो रिलेशन है, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ, सिंपल क्यूबिक के लिए आर इक्वल टू ए बाई टू, फेस सेंटर के लिए आर इक्वल टू ए बाई टू रूट टू, और बीसीसी के लिए रूट थ्री ए बाई फोर। डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट सेट, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर लेना भैया इस पे, ठीक है। तो बस ये तीन टॉपिक पढ़ के चले जाना और आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और किसी को लग रहा है कि सर सॉलिड स्टेट में और कुछ बता दीजिए तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, सॉलिड स्टेट मैंने पूरा रिवीजन कोर्स फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स अनअकैडमी में मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है, अनअकैडमी पे आप जाइए इस कोर्स को एनरोल कर लेना, क्योंकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मिनट में देख लेना सारे, यदि आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो आप ये वीडियोस देखना, 10 मिनट में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए और न्यूमेरिकल्स देख लिए 9 मिनट में, तो आधे घंटे में पूरा चैप्टर आपके लिए तैयार हो गया। इसी तरह चैप्टर वाइज देखो, लिक्विड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ डील किया हूं मैं। और किसी को लगता है कि नहीं सर मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना है, मुझे समझ में नहीं आती बातें, तो वंस अगेन अनअकैडमी पे अगेन मेरा एक कोर्स अवेलेबल है, पूरा सॉलिड स्टेट मैंने एक एक चीजों को पढ़ाया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सिस्टम, रेडियस रेशियो, डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आएगा, इम्परफेक्शन, दीज आर द डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड। किसी को वहां से पढ़ना है तो ये पूरी कोर्स मेरा अवेलेबल है, सॉलिड स्टेट बाय अनिरुद्ध वालिया, अब जैसे ही सर्च करेंगे अनअकैडमी पे तो यू विल गेट द कोर्स, एनरोल कर लेना, आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी कोर्स अपलोड होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने सब सारा सोर्स आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्या पढ़ना है, यदि किसी बच्चे के पास सोर्स नहीं है कि सर कहाँ से पढ़ें, तो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ें ताकि आपका काम हो जाए, और सब चीजों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट सॉल्यूशंस की, लिक्विड सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राउट्सला, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउट्सला, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस बहुत बार प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तीन टॉपिक पढ़ के चले जाना आपका काम हो जाएगा। अरे सर मुझे तो एक भी टॉपिक नहीं आता इसमें से, ना आइडियल सॉल्यूशन ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मत लो टेंशन, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि भैया कहाँ से पढ़ना है। यदि आपके पास वो सोर्स भी नहीं है कि सर कैसे पढ़ें, तो मैंने पढ़ा दिया है, बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी पे आना है, सारी वीडियोज अवेलेबल है, देखो हेनरीज लॉ, राउट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 8 मिनट में, अगले 8 मिनट में आप आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बादशाह बनने वाले हैं, आप वीडियोज देख लेना, पूरा कोर्स मेरा अनअकैडमी पे अवेलेबल है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, सब कुछ मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, आपको क्या करना है, ये मैक्सिमम कोर्स ये शायद 40 से 45 मिनट का कोर्स है, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा यदि आप ये कोर्स देख लेंगे, ठीक है। वंस अगेन अनअकैडमी में मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भैया याद रखना, नॉन-स्टिक इक्वेशन बादशाह है, नॉन-स्टिक इक्वेशन हर साल पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। खोलरा शिला से न्यूमेरिकल बनते हैं, वंस अगेन ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कहाँ डिस्कस कर रखे हैं वो सब मैंने आपको बता ही दिया है, और जैसा कह रहा हूँ कि बस ये टॉपिक्स पढ़ के चले जाओ आपका सारा काम बन जाएगा। खोलरा शिला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस एंड फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिटी, फेराडेज लॉ आल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड स्टोरेज बैटरी मतलब 102% लेड स्टोरेज बैटरी तो आना ही आना है, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाए और लेड स्टोरेज पे ना आए। एनसीईआरटी आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं, या मेरा जो कोर्स है रिवीजन कोर्स अनअकैडमी पे, उससे भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं।
ठीक है, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है, स्पेस खाली न्यूमेरिकल बनेगा। ये एग्जामिनर क्या करेगा, एक वन मार्क की छोटी सी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, डिफाइन दिस, तो वो सब चीजें भी मैंने वहां कवर कर दी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करने हैं, फोकस करना है। यदि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि सर कहां से पढ़ूं क्या पढ़ूं, तो मैंने आपको बताया कि लास्ट में मैं आपको बता ही दूंगा और कहां पढ़ना है, लास्ट के 3 मिनट में वीडियो में बता ही रखा हूं सारा। और किसी को जल्दी है तो जस्ट डायरेक्ट चले जाओ, लास्ट के 3 मिनट में आपको पता चल जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ln K2/K1 equal to delta upon 2.303 R into 1/T1 - 1/2। दिस एक्सप्रेशन पे, इस एक्सप्रेशन पे आपको पक्का एक न्यूमेरिकल मिलेगा 102%। अरहेनियस इक्वेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज टू फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी। कोई बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाई वी यूज या व्हाट इज द यूज ऑफ अरहेनियस इक्वेशन, तो क्या आप लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे अरहेनियस इक्वेशन इज यूज टू फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इतनी बात मैंने आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल में सब कुछ एक एक पॉइंट्स बताऊंगा, एक एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा। अब बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, बहुत बोरिंग सा चैप्टर लोगों को लगता है सरफेस केमिस्ट्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट है फिजियोप्शन एंड केमियोप्शन में डिफरेंस, ये भी मैंने वहां कवर किया है। लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में डिफरेंस, ये दोनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन छोटा सा बनेगा और सरफेस केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल बनाने का मन हुआ तो गोल्ड नंबर पे एग्जामिनर न्यूमेरिकल बनाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ के जाना, टिंडल इफेक्ट क्लास 5, 6, 7 से आप पढ़ते आ रहे हैं भैया, ठीक है, वो आपको पता ही होगी, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। तो ये 3 से 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें पहले 2 टॉपिक है और लास्ट का गोल्ड नंबर, ठीक है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसलिए मैं उनके ब्रैकेट में वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा हूँ। अब बात करते हैं अगेन मेटलर्जी, भैया मेटलर्जी भी काफी बच्चों को दुख देती है, दुखदाई चैप्टर है ये, तो टेंशन ना करना, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ के चले जाओ। प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एंड देयर रिफाइनिंग, और उन कौन कौन से उसके एलिमेंट्स की बात करूं तो एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन, बस ये 4। इसके अंदर एक एलिंगम डायग्राम आता है, भैया एलिंगम डायग्राम बहुत फेमस नाम सुना होगा आपने, मेटलर्जी का जब भी नाम आएगा तो एलिंगम डायग्राम जरूर पूछा जाएगा, तो एनसीईआरटी आप उससे रेफर कर सकते हैं, या वंस अगेन मैंने पूरा कोर्स पढ़ा रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां से देख के पूरा 10 से 15 मिनट में एक एक वीडियोस मैंने कवर किए हैं, 2-2 वीडियोस, तो आप सब कुछ कवर कर लोगे। अब बात करते हैं पी ब्लॉक, भैया पी ब्लॉक सब बच्चों को लगता है डर, भैया रटने की चीज है, रटने की चीज है, भैया ऐसी ट्रिक यहाँ पढ़ा रखी है 10 मिनट में पूरा ये अपना ग्रुप 15 आपका कवर हो जाएगा, ट्रिक फॉर द पी ब्लॉक रिएक्शन ग्रुप 15, ठीक है। और इसमें आप ये भी आपके पास नहीं है टाइम, आपके पास नहीं है नेट, ये 10 मिनट भी अपना स्पेंड करने का इस वीडियो पे, तो आप क्या करें, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनियम नाइट्रिक एसिड कर लें, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनके सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए, जो इस वीडियो मैंने आपको सिखा भी रखा है ड्रॉ कैसे करनी है, फॉस्फोरस वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ये टॉपिक्स आप कर ले आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। यदि 10 मिनट ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कुछ एनसीईआरटी भी खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट ग्रुप 16, अगेन ग्रुप 16 मैंने पढ़ा रखा है पूरा, आपको यहीं और जाने की जरूरत नहीं है, 25 मिनट में पूरा ग्रुप आप कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें और कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पढ़ा ही दिया है आपको। ग्रुप 17 की बात करते हैं, दैट इज हेलोजन, हेलोजन कहाँ है ये, कौन सा ग्रुप बताओ, क्लोरीन वाली फैमिली है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन, देयर यूजेस ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इंटरहेलोजन कंपाउंड, व्हाट आर इंटरहेलोजन कंपाउंड, ये क्वेश्चन का आंसर लिख के जाना अपनी नोटबुक में, और मैंने उस कोर्स में भी डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर इस पूरे ग्रुप से पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर इंटरहेलोजन कंपाउंड। ग्रुप 18 13 मिनट में पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे मेरी वीडियो अवेलेबल है, बहुत फेमस वीडियो है, पी ब्लॉक नोट्स बाय अनिरुद्ध वाली, जब भी आप ऐसा कुछ सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी, कंप्लीट नोट्स ऑफ पी ब्लॉक ग्रुप 18, दिस इज ग्रुप 18, 13 मिनट में आप पूरा ग्रुप पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, अनअकैडमी में पढ़ा रखा है पूरा वीडियो, आप यहां से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, भैया देखो बहुत सारे बच्चों को रहता है डाउट, चलो पहले मैं एफ ब्लॉक की बात करता हूं। देखो एफ ब्लॉक मैंने क्या कर रहा हूं ना यार, अब आपके पास नहीं, मेरे को पता है आपके पास भी टाइम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो छोटी छोटी टाइम में बहुत जल्दी से आप कर सकते हो, तो एक्टिनोइड्स को क्या करना है, एक्टिनोइड्स को 6 मिनट में आपको पढ़ना है, इस वीडियो से सारी वीडियोस आपको अवेलेबल है। आपको क्या करना है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है तो आपको जस्ट सर्च करना है यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे कि रिवीजन ऑफ एफ ब्लॉक बाय अनिरुद्ध वालिया, एक्टिनोइड्स बाय अनिरुद्ध वालिया, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी हर जगह आपको, ठीक है। लेंथिनोइड्स की बात करूं, देखो एक्टिनोइड छोटा आता है, लेंथिनोइड थोड़ा बड़ा है, तो 13 मिनट में मैंने इसको पूरा पढ़ा दिया है। इसके बाहर ये मैंने पूरा एनसीईआरटी से निकाला, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को एनसीईआरटी से निकाल के पढ़ा है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बाहर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने वाली यदि आपने इन दोनों वीडियोस को देख लिया तो। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में भी देखो 7 मिनट में, 6 मिनट में पोटेंशियम पर मैग्नेट की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ऐसा नहीं कि बस रटवा दिया भाई, रट लो 2MnO4 फलाना, ये सब नहीं, ट्रिक्स के साथ चीजों को पढ़ाया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रिक्स के लिए बहुत फेमस है, हम आप जानते होंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं 6 मिनट में और 7 मिनट में। तो आप उम्मीद है ये सब वीडियोस देखेंगे, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आगे बढ़े नेक्स्ट वीडियो। देखो अभी तक आपको मैंने आपको क्या बोला, टाइम आपके पास कम है तो बस इन इन चीजों को करके चला जाओ। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होने वाला है, 55 से नीचे आपके कहीं आ ही नहीं रहे हैं, मिनिमम 55 आने वाले हैं आपने इतना सब कुछ कर लिया तो। ठीक है, और लास्ट के 3 मिनट में आपको प्रॉमिस किया कि पूरा डिटेल बता दूंगा, कि सिर्फ आपको ये सब भी नहीं, मेरी वीडियोस भी नहीं देखनी तो आप क्या कर लें कि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें। तो कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन जो 1 मार्क क्वेश्चन में बनेगा वो IUPAC नेमिंग पे बनेगा। CFT थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसलिए खाली CFT में फोकस कर रहा हूँ, बाकी चीजें भी लिख दी है मैंने, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड आइसोमेरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और नेमिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि सर समझ में नहीं आता क्या चैप्टर है, सर क्या है इसमें लीगेंड है, सर कौन पेयरिंग करता है, कभी नहीं करता, तो उन सब की ना करो टेंशन। Chapter 7 के नाम से Unacademy में मेरा अगेन ही कोर्स अवेलेबल है, वो द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवीजन प्रोग्राम फॉर द बोर्ड स्टूडेंट्स Class 12 बाय अनिल ग्वालिया। आपको ये सीधे देखो कितने मिनट की वीडियो है, ये 14 मिनट्स की वीडियो, 14 मिनट्स में पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने खत्म किया है, मतलब एक शॉर्ट नोट्स हैं, क्रिस्प नोट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पास ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स में क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ये आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए, NCERT ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रेफर करना है और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हेलो एरिन्स की बात करूं तो अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द हेलोजन इन मोनोसब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स ओनली। अब देखो इन सब के यूज आपको पता होना चाहिए, DDT आयोडोफॉर्म फिरोन्स, ये सब मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, और 30 नेमिंग रिएक्शंस बाय अनिल ग्वालिया बहुत फेमस वीडियो है, आप वहां देखना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस, मतलब जितनी रिएक्शंस होती हैं सब उस पूरे वीडियो में 30 मिनट्स में मैंने कवर कर रखी है। तो आपको क्या करना है, Unacademy पे मेरा पूरा वो कोर्स अपलोडेड है, और यूट्यूब पे भी जहां आपको मन करे वहां देखिए, कंपैटिबल आई थिंक यूट्यूब से ज्यादा आपको Unacademy पे रहेगा क्योंकि आप वहां पे जुड़े रहेंगे मेरे साथ, वहां पे डेली वीडियोस आपको मिलने वाली है। ठीक है, DDT आयोडोफॉर्म टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब छोटी छोटी चीजें पर इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर, पहले पहले वन बाय वन बात करेंगे, पहले अल्कोहल्स देन फिनोल्स देन ईथर। एल्कोहल्स की बात करें तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE मेन हो या नीट, एक क्वेश्चन टेस्ट से आना फिक्स है भैया, लूकास टेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होते हैं तो आपको आना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का सिर्फ एक मैकेनिज्म देख के जाना, जो NCERT में मैकेनिज्म है बस वो ही देख के जाना, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ऑर्गेनिक के लिए NCERT बहुत मस्ट है। फिनोल्स की बात करें तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, वाई फिनोल है एसिडिक नेचर, तो रेजोनेंस वगैरह होती है, ये सब एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, और यूजेस ऑफ फिनोल्स एक नंबर में कई बार पूछ लेगा एग्जामिनर। ईथर अगेन देखो ऑर्गेनिक का फंडा क्या होता है, जो भी टॉपिक उठाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, बस चार चीज फंसती है और कुछ नहीं फंसता। तो क्या है ईथर्स की बात करूं तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस अगेन। ठीक है, और आपको कोई टॉपिक चाहिए तो मुझे बता देना, मैं फटाफट उसकी शॉर्ट वीडियोस भी बना दूंगा। आप कमेंट करते रहिए करें जो भी आपको डाउट है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन में अगेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको सारे याद होने चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कैसे कैसे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके यूजेस आप पढ़ के जाना। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो अगेन एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो ऑर्गेनिक में ज्यादा कुछ बचता नहीं है, सिर्फ वही चीज बार बार पूछी जाती है कि कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या उसका मैकेनिज्म है, क्या उसका यूज है, बस इससे बाहर और एग्जामिनर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको फिर भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक अभी समझना है क्योंकि अभी टाइम बचा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो फटाफट बना दूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन अमाइंस में, देखो मैं आपको बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, आप सोच रहे हो सर बोर कर रहे हैं, कोई बोर नहीं कर रहे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ लिख दिया है। डाइजोनियम सॉल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन कैसे बनाते हैं H3PO2 डाल के, ये पता होना चाहिए आपको। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं वो भी मैंने 30 नेमिंग रिएक्शंस बाय अनिल ग्वालिया, बहुत फेमस वीडियो है, बहुत सारे बच्चे देख चुके हैं, Unacademy में पूरा मैंने कोर्स करके पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोडेड है, जहां आपको मन करे वहां देख सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, देखो बायोमोलिक्यूल्स के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ रेफर NCERT पढ़ लो, काम हो जाएगा, हो सकता है 10-15 पेज का है उसमें काम,
बट इसके अलावा आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, या खाली एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट वगैरह क्वेश्चंस जो दे रखे हैं वो भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। पॉलीमर्स की बात करूं भाई, पॉलीमर्स तो मैंने पढ़ा ही दिया, बायोमोलिक्यूल भी जल्दी पढ़ा देंगे। आपको डाउट लग रहा है कि सर पढ़ाए नहीं, इतने दिन हो गए, भाई पढ़ा देंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा जब भी। तो देखो 18 मिनट में पूरा पॉलीमर चैप्टर, यहाँ यूट्यूब पे मेरी वीडियो अपलोडेड है, जस्ट आपको सर्च करना है पॉलीमर नोट्स बाय अनिरुद्ध वालिया, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत प्यार से 18 मिनट में पढ़ा दिया है मैंने पूरा चैप्टर पॉलीमर, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत बच्चों को लगता है डर, बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी जाते हैं, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी मैंने 40 मिनट्स में पढ़ा है, इसमें थोड़ा टाइम लिया है, थोड़ा मस्ती करते हुए पढ़ा है एक्चुअली इस वीडियो में, बहुत मस्ती की, आपको बहुत मजा आने वाला है जब ये वीडियोस देखेंगे। तो क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम के एक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बाय अनिरुद्ध वालिया, जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिलने वाली है और आपका काम ऐसा हो जाएगा आसान, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको चीजें बता दी है, अब आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपको जो अभी तक मैंने पहले 15 मिनट में पढ़ाया है, जो बताया है, उन सब में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि सर क्या बोल रहे हो, मेरे को मन नहीं कर रहा, आप जो बहुत सारा बता दिया ना, तो मैं आपको एक की पॉइंट दे देता हूँ, आपको ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। सर ब्रह्मास्त्र आपके पास है? बिल्कुल ब्रह्मास्त्र मेरे पास है, आपको करना क्या है, ये एक पूरा रिविजन कोर्स है जो मैंने अनअकैडमी पे पूरा वीडियो अपलोडेड कर रखा है, और आपको करना क्या है, इसकी लिंक अनअकैडमी की लिंक, मेरी प्रोफाइल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इस कोर्स को एनरोल कर लेना, एनरोल पे क्लिक करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री में वीडियोस मिलने वाली हैं, केमिस्ट्री बोर्ड रिवीजन कोर्स फॉर द बोर्ड एस्पिरेंट्स, जेई नीट दोनों के लिए, ये समझ समझ ना, जेई वाले बच्चे तो हम नहीं देखेंगे, नहीं नीट वाले सब देखो, चैप्टर वाइज मैंने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली बोर्ड के लिए और जेई नीट के लिए डायरेक्ट बगल में आपको कोर्स मिलने वाला है, इसमें पूरा केमिस्ट्री को कंप्लीट किया है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चैप्टर को शॉर्ट वीडियोज में रिवाइज करवाया है, ठीक है। तो उम्मीद है सब ये वीडियो देखेंगे, देखो 4 मिनट की है ये, 12 मिनट, 11 मिनट, बस ऐसे 5-5, 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बना के सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखे हैं, केमिकल काइनेटिक्स के नीचे भी, और आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है। सारी वीडियोस अपलोडेड है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत मजे से कोर्स आप पढ़िए, मजा आएगा। और चलो तो वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल दे ही दी है, केमिस्ट्री की तैयारी करते रहिए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, वीडियो में कमेंट करें, बताएं कैसी लगी वीडियो, कोई और डाउट है वीडियो में कमेंट करके बता देना, और फटाफट अनअकैडमी पे आ जाइए, सारी वीडियोस देखिए, मजा उठाइए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।